कैसे हो आप सब। आप सबका वेलकम है विनय कुमार चैनल के ब्लॉग पे। और एक बार सबको हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फैमिली। तो जैसा कि बता दूँ, दो तीन दिन हमारा वीडियो नहीं आया था, इसका वजह लोग को मैंने रील्स पे डाल दिया छोटा सा, ताकि आप लोग को पता चले मेरा वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों क्या था ना, हमारे पास सोने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो हम वीडियो कैसे बनाएं। तो आज थोड़ा टाइम मिला है, तो हम कुछ ना कुछ आपको वीडियो बना के दिखाई देते हैं। और देखिए, इधर अपना किचन में लगी हुई है, काम करते हैं दिन दिन भर, फुर्सत नहीं है काम करने से। तो हम सोचें कि हम आप लोग को थोड़ा सा शेयर किया जाए, क्योंकि दो तीन दिन हो गया। तो आप लोगों को कुछ लोग तो बुरा भी मान गए होंगे कि भैया ब्लॉग नहीं बनाते हैं। तो हम तो चलो, आज टाइम मिला है तो आप लोग को ज़रूर दिया जाए। और देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, और सुबह के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं शायद, दोपहर के मान लो या सुबह के, दोपहर के मान लो 12 बज गए हैं। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा फॉरवर्ड करें। तो आज लोग को हम कुछ ऐसा चीज़ दिखाएंगे जो हमारे घर से आया है, मतलब हमारी मम्मी ने भेजा है। क्या भेजा है वो भी ज़रूरी है कि नहीं है, मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोग को दिखाएंगे मम्मी ने हमारे लिए गांव से क्या भेजा है, उम्र के लिए क्या भेजा है। इससे देखने में आप लोग को मज़ा आएगा कि माँ तो माँ होती है, क्या बेटे का बहू का ख्याल रखने के लिए क्या क्या भेजा है। तो चलिए, आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे और वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो आप लोग को मैं चलो दिखाता हूँ क्या क्या भेजा है। उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है, बने रहिए। देखो, सुबह का नाश्ता मेरे पास यही है, थोड़े से मुरमुरे और थोड़े से आलू मटर के घूरी, बस यही सुबह से मैं नाश्ता करके जाता हूँ। और दिन भर ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ खा लेता हूँ, नहीं खाता हूँ। मेरा तो आलू मटर की घूरी बहुत फेवरेट है, इसलिए मैं तो डेली बनवा के खाता हूँ, कभी मुरमुरे से, कभी पराठे से, कभी वैसे चाय के साथ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम क्या थोड़ा नाश्ता पानी कर लेते हैं, क्योंकि 12:30 बज गए हैं, देख रहे हैं आप लोग, तो इतने टाइम में नाश्ता करना बनता है। तो मुरमुरे और आलू मटर की घूघरी एक नंबर मुझे लगता है, आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो चलिए खा के मिलते हैं आप लोग। चलो दोस्तों, आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि घर से क्या आया है मेरे लिए और किसने मेरे लिए बनवाया था, और आज हमारे पास फिर से आ गया है। मैं लेके नहीं आया था घर से, तो हमारी मम्मी ने भिजवा दिया है, बड़ी अच्छी बात है, मम्मी कितना केयर करती है ना। तो चलो मैं दिखाता हूँ, मैं लेके आता हूँ, ठीक है, पता हमको लग रहा है, देखते हैं, लेके आते हैं फिर। मम्मी लोग ना, मम्मी लोग बहुत केयर करती है, मेरी भी मम्मी, ठंडा लग रहा था, स्वेटर भिजवा दी, तो आपकी मम्मी यहाँ भिजवा दी, मेरी मम्मी चौरी भिजवाई, उसके बाद यहाँ भिजवाई, मतलब मेरे ससुराल। ओ तो चलो दोस्तों, मैं लेके आता हूँ, देखता हूँ कैसा लगता है। हमारी जो मैडम है तो ठंड लग रहा है, और आराम से देखो कितना क्यूट लग रहे हैं, देखना इधर नहा ही नहीं है, बल्कि मैं नहा लिया हूँ। और मुझे और नहाने के बाद क्या दोस्तों ना, ठंड नहीं लगता है। तो अभी देखो, मैं टी शर्ट पे हूँ और हाफ पैंट पे हूँ, और ये अपना चाय नाश्ता पानी करके आराम से बिस्तर में बैठे हुए हैं। गुदगुदी लग रहा है। अरे ई छूने से गुदगुदी लग रहा है इनको, कोमल है तो नाम का भी असर होता ही है। मैं लेके आऊँ जो मम्मी ने भेजा है, मैं बताऊंगा फिर आपको, ठीक है। तो ये देखिए लेके आ रहा है दोस्तों, देखिए ये है वो जो हमारी मम्मी ने भेजा है, इसके अंदर क्या है मैं दिखाता हूँ। दिखाइए, इसके अंदर मेरा बहुत ही प्यारा सूट है, जो मैंने इसे बस एक ही बार पहना है, बहुत सुंदर है, मतलब बहुत सुंदर है, और इनके ऊपर तो और भी सुंदर लगता है। ये सूट ऐसा है दोस्तों, बताऊं, मैंने किट्टो की शादी में बनवाया था, मैंने क्या बनवाया था, मतलब मैं आपको नाम दूं, कोमल ने बनवाया था, इन्होंने खुद से गए, उस टाइम मैं दिल्ली में ही था, और ये खुद से गए बनारस, गए वहां से सूट का कपड़ा लिए। मैं ठीक है, मैं बोलना चाहती हूँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको पता है ये बहुत बिजी रहते हैं, और ये इतना बिजी रहते हैं, मैं बैक फ्रंट करके बताऊं, फ्रंट करके, फ्रंट कैमरा, चलो ऐसे ही बात दोस्तों, तो ये ना बहुत बिजी रहते हैं,
तो इतना बिजी रहते हैं कि इनके पास ड्रेस लेने का किट्टो दी की शादी में टाइम नहीं था। मुझे पता था ये ले भी नहीं सकते थे, जो था इनके पास ये वही पहनते। तो मैं इनको बिना बताया मैंने बनारस गया था, बनारस गई थी ना जी, बनारस गई थी और उसके सुनिए बनारस गई थी मैंने इनको बताया नहीं, और इसी बीच में हमारा लड़ाई भी हो गया था कि मुझे बिना बताया तुम बनारस चली गई, हाँ अपने मन का हो गई हो, पहले मुझे बोलने दो। फिर उसके बाद लड़ाई हो गई दोस्तों ना, फिर मैंने गुस्से में आके मैंने सब इनके लिए सरप्राइज प्लान किया था कि मैं इसको ऐसे बनवाऊंगी, मैंने एक पिक रखा हुआ था कि मतलब इनके लिए ऐसे ऐसे बनवाएंगे, मतलब बहुत सारा दिमाग में आइडिया था। तो झगड़ा हो गया तो मैंने इनको बता दिया कि मैं आपके लिए गई थी ये लेने, तब इनको अफसोस हो रहा था कि बेचारी मेरे लिए इतना सरप्राइज प्लान कर रही थी, मैं लड़ाई कर लिया। दोस्तों देखो मैंने अपना ये सूट अपने शरीर पे डाल लिया है, पहले से थोड़ा सा फिट हो रहा है लेकिन बटन बंद हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। तो मैंने भी टी शर्ट पहना, जब उस पर मैं शर्ट पहनूंगा ना बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि इसे मैंने एक ही बार पहना है और हमारी बीवी का ख्वाहिश था कि आप हमारे मन का सूट पहनो, तो इन्होंने मेरे लिए कपड़े लिया। फिर मैं एक बार घर गया था तो वहां मैंने नाप दिया, फिर इन्होंने पैसा भी दिया, सिलाई भी दिया, बोली नहीं। और एक बार मैंने इनके लिए, फिर मैंने इनके लिए ना कुर्ते पैजामे का कपड़ा लिया अभी तक, सच में अभी वो कुर्ता पैजामा कपड़ा ना भी घर पे पड़ा हुआ है, इतना सुंदर वो कपड़ा था ना, मैंने अपने से मतलब इनके पास ना टाइम नहीं रहता है कपड़े लेने के लिए, तो मतलब मेरे अंदर था कि इनके पास टाइम नहीं है तो मैं अपने तरीके से लूं, अपने पसंद का लूं, सिलवा के इनको दूं। मैं बताऊं दोस्तों, मुझे ना कपड़े खरीदने और पहनने ज्यादा शौक नहीं है, इनको पता है बस खाने का शौक है, खाने का शौक है, शौक है कमाने का, बस खाने और कमाने का सब। पैसा रहेगा तो सब कुछ अपने पास है, तो अभी कमाने फोकस करो, जब बड़े हो जाएंगे थोड़ा और। सब कुछ पैसा नहीं होता है, कुछ होता है दिल से इंसान की मतलब उसको टाइम। लेकिन सच बताऊं आपका गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा लगा था दोस्तों, तो मैंने पहली बार एक ही बार पहना था, वो भी बताया मैंने किट्टो के साथ पहना था, उसके बाद आज मैंने इसे चेक किया हूँ पहन के, आप लोग देख रहे हो कितना मस्त कपड़ा है, कितना फिट है। और इसका देखिए बेस कोट भी है, इसका पैंट भी है, इसको बेस कोट अंदर पहनते हैं, तो कभी जब पहनेंगे आप लोग को दिखाएंगे, और कब पहनेंगे जरूर बताएंगे आप लोग को हम। लेकिन इनका गिफ्ट मुझे बहुत प्यारा, आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा भैया कि आपका सूट कैसा है, कैसा लग रहा है, हैं। लेकिन टी शर्ट पे मजा नहीं आ रहा है ना, क्या करें, हमको टी शर्ट ज्यादा पसंद है लेकिन सूट तो हमेशा शर्ट पे अच्छा लगता है। चलो आपके लिए हम वो ले लेंगे ना। क्या ले लोगे? अरे वो अब पता, जब ये मेरे लिए जैकेट बनवाए थे ना, तो इससे पहले मैं इनके लिए ना यहाँ से दिल्ली से एक स्वेटर जैकेट ले गया था, और भी ठंड का मौसम था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी मम्मी ने भिजवा दिया कि वहां रहेंगी पहनेंगी, ये जो जैकेट उन्होंने एक दो बार वीडियो में पहना है, जब मैं ये ले गया दिल्ली से खरीद के, बहुत ठंडा था, तो हम कहे चलो यार इनके लिए एक जैकेट ले लेते हैं। वो जैकेट अपने घर पे भूल गई थी, तो इनकी मम्मी ने हमारे घर भिजवा दिया, तो वहां से किट्टो और अमित आ रहे थे, तो उन्होंने वही लेके आए थे, तो हम कहे चलो आ जाए, अच्छी बात है, ठंड में भला तो हो जाए। माँ तो माँ ही होती, सोचती है कि और वो भी दिखा दो मेरा, कौन सा वो ब्राउन वाला, और इनका और स्वेटर था, तो ये वाला दिखा दो पहले, दिखा देते हैं ना, ये इनका है, इन्होंने जो ये मैंने गिफ्ट किया था दिल्ली से इनके इनके लिए ले गया था, और जो इनका स्वेटर है इनके घर का है, ये मेरा है स्वेटर, बहुत बोरा जैसा है यार ये मेरे मतलब मैंने लिया था शादी में, लिया था मेरे भाई थे उनके शादी में मैंने लिया था, बहुत ही प्यारा है, पैसा है इसको पहन लोगे ना पसीना फेंक देगा। हाँ दोस्तों इतना मोटा है ना, दिखा रहा उठा के एक बार, कितने भी ठंडी हो आप इसको पहन लोगे ना गर्मी लगने लगेगी, बहुत मोटा है, बहुत गर्म करता है, फिर से दिखाना एक बार, मस्त है। तो दोस्तों चलो यही सब बातें, यही चीज थी, और कुछ खाने पीने की चीजें थी, क्या दिखाया, खाने पीने की चीजें, मिठाई हो गया, लड्डू हो गया, मम्मी ने यही सब भिजवाया था, स्वेटर में पैसा निकल रहा है, बहुत मालदार पार्टी हो यार नहीं, चलो दोस्तों बने रहिए थोड़ा सा, हम भी क्योंकि हमारी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, थोड़ा रेडी होके फिर मिलते हैं आप लोग से। आप लोग देखो कितना प्यारा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग कमेंट में बताना हमारा सूट कैसा लग रहा है, इन्होंने बनवाया है अपने पैसे से, अपनी मेहनत से। A few moments later. तो दोस्तों इधर देखिए पूरा अलमारी ऑनलाइन शॉपिंग से फुल है, इधर देखिए हमने बहुत सारा शॉपिंग फ्लिपकार्ट से किया है, जो आप लोग को ब्लॉग बना के दिखाएंगे, बहुत सारा शॉपिंग फ्लिपकार्ट से किया, अभी और ऑर्डर आने वाले हैं,
सब ये सब सारा फ्लिपकार्ट से ही है। तो दोस्तों अब मैं रेडी हो गया हूँ, अब चलता हूँ ड्यूटी की तरफ। पता है ना बहुत काम रहता है यार, 31st है हमारा, हम लोग का काम ही ऐसा है, होटल लाइन वाला काम है, रेस्टोरेंट वाला लाइन काम है, कैफे क्लब सब उसी में है, तो बहुत बिजी रहते हैं क्योंकि अभी 31st भी आने वाला है। तो आज थोड़ा लेट से जा रहे हैं, पर थोड़ा सा ब्लॉग बना लेते हैं। तो हमारी मम्मी ने जो भेजा आपको दिखा दिया, थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच, आई लव यू माई मॉम, आई लव यू माई फैमिली, आई लव यू माई वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ एंड माई ग्रेट मॉम। ओके तो दोस्तों चलते हैं। आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग को मम्मी ने भेजा है बहुत पसंद आया होगा, उनके लिए भी जो भेजा बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू मैडम, बहुत बिजी है, फोन में देख ही नहीं रही इधर। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय।